यातायात नियम का पालन करते हुए हम बड़ी से बड़ी दुर्घटना से बच सकते हैं। इसी की आज शपथ यातायात विभाग में दिलाई गई, जिसमें नए DSP एवं SP पंकज श्रीवास्तव उपस्थित हुए, जिन्होंने सभी को मार्गदर्शन दिया एवं सभी को यातायात नियम का पालन करने की शपथ दिलाई गई। आप सभी का इस शपथ ग्रहण समारोह में स्वागत है और आप सभी का मैं स्वागत के साथ हार्दिक आभारी व्यक्त करता हूँ। इस संवेदनशील मुद्दे पर आप सभी जन इकट्ठे हुए हैं। जैसा कि जो शपथ आपने ली है, उस शपथ में मूलभूत जो उसके रूल्स हैं वो सारे समाहित हैं। जैसे कि फोर व्हीलर चलाते समय सीट बेल्ट का लगाना, मोटरसाइकिल टू व्हीलर चलाते समय हेलमेट का लगाना, शराब पीकर वाहन नहीं चलाना, मोबाइल फोन का उपयोग वाहन चलाते समय नहीं करना, और जब आप रोड पर चल रहे हो तभी फायर ब्रिगेड या एम्बुलेंस का सायरन सुनाई दे उसको तत्काल रास्ता दे देना। ये सारी चीजें समाहित हैं। मैं सोचता हूँ कि ये सारी चीजें आप जानते भी हो, लेकिन समस्या क्या है? समस्या ये है कि हम में से ऐसे कितने लोग हैं, पेरेंट्स, अभिभावकगण, जो अपने बच्चों को बिना लाइसेंस। आपने अपने अनुभव, आंकड़े, आने वाली परिस्थितियों के बारे में, एक्सीडेंट ना हो होने के बाद क्या दुष्प्रभाव है, ये हमको मार्गदर्शित किया, इसके लिए हम आभारी हैं। आप अमिताभ बच्चन को जानते हो ना? जानते हो ना? पीछे वाले जानते हो? लड़के राज कपूर का नाम सुना? वो बहुत पहले बता गए, ये भाई जरा देख के चलो, आगे भी पीछे भी, दाएं भी और बाएं भी, हे गाना है सर। अमिताभ बच्चन क्या बोल गए? न तूने सिग्नल देखा न मैंने देखा और एक्सीडेंट हो गया। सिग्नल सबको देखना है, आगे भी देखना है, बाएं भी देखना है, ठीक है। अब इस कार्यक्रम की अंतिम कड़ी पे मैं नगर पुलिस अधीक्षक मैडम गुप्ता से अनुरोध करूंगा कि कार्यक्रम में आभार व्यक्त करने का कर। रिस्पेक्टेड एडिशनल SP सर, DSP ट्रैफिक सर, RI साहब, कैंट थाना प्रभारी, कुटवानी थाना प्रभारी, हमारी सुविधा मोनिका, और यहाँ पधारे हुए सभी गणमान्य नागरिक और मीडिया बंधुओं, मैं आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करती हूँ कि ट्रैफिक आप लोग ट्रैफिक के नियमों का पालन करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए, सभी ने शपथ ग्रहण कर एक जागरूक नागरिक की भूमिका अदा की। और आज भी पड़ता है, अब वो कैसे? सरकार ने आपको स्कूलों में पढ़ाया, खर्च किया, इस उद्देश्य से खर्च किया कि आप इंजीनियर बनोगे, डॉक्टर बनोगे, जो भी काम करोगे और देश की तरक्की करोगे, और आप अचानक अपनी लापरवाही से शराब पी के, बिना हेलमेट के, बिना सीट बेल्ट के यदि आप मर गए तो परिवार का जो दुर्गति होना है वो तो ठीक है, साथ ही साथ आपको अपने देश के प्रति भी जो आपके लाइबिलिटीज हैं, जो आपके दायित्व थे, उनमें